हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने वो चीज लाए हैं जिसके बिना आप ट्रांसलेशन नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो अलॉट ऑफ बेसेस उपस्थित होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे सेंटर होते हैं इंफॉर्मेशन के। वो इंफॉर्मेशन को, डीएनए को के इंफॉर्मेशन को हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे एमआरएनए बनाना पड़ता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के तहत कोडन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि भाई कौन कोडन किया है या किस अमीनो एसिड्स में कौन कोडन है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इंटायर सेक्टर जो होते हैं, हम जेनेटिक कोड्स क्या है, वो कैसे तैयार होता है, और उसके बाद वो किस प्रकार आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, उसका कैरेक्टर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, तमाम हम अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल जेनेटिक कोड्स क्या है, कोड कैसा होता है, उस कोड को पढ़ने के लिए जो टीआरएनए होते हैं उसके बारे में, तो ये तमाम हम जानकारी जेनेटिक कोड में हम देखेंगे। ये एक ब्रीफ आइडिया लेकर हम आपके पास आए, इसलिए हम वीडियो दिए हैं जेनेटिक कोड। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के बारे में देंगे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो जेनेटिक कोड को डेसिफर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट का योगदान रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जेनेटिक कोड का डेफिनेशन कर लेंगे। कभी कभी आता है एग्जाम में आता है कि जेनेटिक कोड को डिफाइन करें। द रिलेशनशिप बिटवीन से याद रखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए एंड सीक्वेंस, एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो गया एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ब्रीफ आइडिया में देना है ताकि किसी भी एग्जाम के लिए आराम हो। इन द पॉलीपेप्टाइड is called genetic code. तो जेनेटिक कोड क्या है, यह हमें के एक रिलेशन बताता है, संबंध बताता है कि एमआरएनए का जो बेस होता है और न्यूक्लियोटाइड जो होती है उसमें जो कोडन्स होता है उसका पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके साथ रिलेशन क्या है। जो उसका होगा वही होगा जो एमआरएनए में कोडन होगा, और जिस अमीनो एसिड्स का जो कोडन होगा वही आपको प्रोटीन में होगा। यानी प्रोटीन जो होगा वो एमआरएनए पर आधारित होगा, जैसा कोडन वैसा प्रोटीन। तो इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप हमें बताता है, इट ब्रिंग्स द रिलेशन बिटवीन द एमआरएनए एंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हम खास करके जेनेटिक कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम कुछ वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन देखें। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन कि जितने भी वैज्ञानिक थे कौन कौन किस प्रकार दिए थे,
तो इस फील्ड में सबसे पहले वैज्ञानिक थे जॉर्ज गैमो। सबसे पहला ये वैज्ञानिक थे जॉर्ज गैमो साहब ने। इन्होंने ये बताया था कि कोड 3 बेस का होता है। द कोड मस्ट बी ऑफ 3 बेस। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कोड जो होता है 3 बेस का होता है, इसलिए तो उसे हम ट्रिप्टिड कहते हैं। इन ऑर्डर टू कोड ट्वेंटी अमीनो एसिड्स, बीस अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए सिर्फ 3 बेस होते हैं, यानी 3 ही बेस होते हैं। द कोडन, कोडन में 3 ही बेस पाए जाते हैं। फॉर 20 अमीनो एसिड्स कोडन इज ए ट्रिपलेट। कैसा ना होना चाहिए? कोडन ट्रिपलेट होनी चाहिए, LET, कोडन जो है ट्रिपलेट होना चाहिए। उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दिस वॉज यम का बहुत ही मजबूत थ्योरी था कि ये बोल्ड प्रपोजिशन था, बिकॉज ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक प्रक्रिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4×4×4, चूंकि 3 लेटर है, 4 बेसेस हैं, बेस कितने हैं, 4 है, इसलिए हमने 4 लिया है। नंबर 4 इज द 4 और लेटर 3 होता है और बेस 4 होता है, तो इसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने 4×3 लिया। 4×4×4=43, तो ये करेगा कि वुड जेनरेट 64 would generate 64 codons. इस तरीके से हम करेंगे 4×4×4, क्योंकि बेस कितने हैं, 4 है, और चारों बेस जो है ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं, तो ट्रिपलेट फॉर्म से ही अमीनो एसिड बनता है, यानी कोडन का निर्माण होता है। तो अगर 4×4×4 कहते हैं तो 4×3 हो जाता है 4Q, और जब 4Q हो जाता है तो हमारा जो 64 कोडन चले आते हैं, यानी 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोडन की जरूरत होती है। और जनरेट 64 कोडन, जेनरेटिंग मेनी मोर कोडन दैन रिक्वायर्ड, इस तरह से जेनरेटिंग
देन रिक्वायर्ड, जितनी हो सके जरूरत उससे ज्यादा कोडन्स का निर्माण हो जाता है। नंबर टू साइंटिस्ट में आते हैं हरगोविंद खुराना। सबका कंट्रीब्यूशन जानना है। एंड गैमो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही गेव सो मेनी इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया था। नंबर टू में आइएगा, नंबर टू हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना ने क्या कहा था, ही डेवलप्ड केमिकल मेथड। उन्होंने केमिकल मेथड्स डेवलप किए। हमेशा याद रखें, एग्जाम में कभी क्या आता है कि केमिकल मेथड्स के द्वारा उन्होंने कोडन की जानकारी कैसे ली, तो इन्होंने कौन किसने लिया था, तो हरगोविंद खुराना साहब ने फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स के निर्माण किया उन्होंने, केमिकल मेथड्स के आधार पर उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। एंड टू डेवलप द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड का विकास किया। तो इन्होंने केमिकल मेथड्स के आधार पर उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया और उसके बाद जेनेटिक कोड तैयार किया। तो सभी लोग लगे हुए थे जेनेटिक कोड्स के निर्माण में कैसे होगा, डेवलप करना है। और तीसरा साइंटिस्ट था एम नरेनबर्ग। NIREN, he artificially synthesized artificially synthesized protein to understand the nature of codons, to understand the nature of codons, कोडन्स के नेचर को समझने के लिए उन्होंने काल्पनिक तरीके से प्रोटीन का निर्माण किया। काल्पनिक तरीके से, अपने तरीके से इन्होंने, नरेनबर्ग साहब ने बाहरी, उन्होंने प्रोटीन का निर्माण किया और प्रोटीन के निर्माण करके कोडन के को समझा, कोडन को पहचान की या उसके जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह हरगोविंद खुराना का हो गया, नरेनबर्ग का। नेक्स्ट साइंटिस्ट है सिब्रू उचाओ।
सिब्रो ओचाओ हैं, इन्होंने पॉली ही डिमोन्स्ट्रेटेड उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया बताया दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज also help in the polymerization of RNA. उन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने इस एंजाइम के बारे में बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, उन्होंने इसके बारे में जिक्र की, इसके बारे में बताया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आरएनए के पॉलीमराइजेशन में, आरएनए के निर्माण में, हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए विथ डेफिनेट विथ डिफिनिट सीक्वेंस. इस तरीके से हम देखते हैं कि देर आर सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो वैज्ञानिक मिलकर के इसका इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और कंट्रीब्यूट करके ये सब बताया और हेल्प किया जेनेटिक कोड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए. इसके बाद हम चलते हैं आपका, इसके बारे में हम की जेनेटिक डिक्शनरी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं. इट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, इसे भी याद रखना है और इससे भी सवाल आते हैं कि किसने क्या कहा, किनका कौन कंट्रीब्यूशन होता है. स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा जानते हैं, स्ट्रक्चर है, हालांकि इसमें हम टेबल नहीं बता पाएंगे. स्ट्रक्चर में है कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी जो होता है जेनेटिक कोड जो हम डिक्शनरी तैयार करते हैं उसमें आपको कंसिस्ट ऑफ 16 फैमिलीज होते हैं. इसमें 16 परिवार होते हैं जिसमें और 16 फैमिली है और प्रत्येक फैमिली में आपका 4 कोडन्स होता है. ईच फैमिली इट वन कंसिस्ट ऑफ 16 कोडन्स. जो डीएनए डिक्शनरी बनाई गई, जेनेटिक कोड की जो डिक्शनरी बनाई गई उसमें 16 फैमिली रखे गए. 16 फैमिली में जब प्रत्येक फैमिली उसमें 4 कोडन्स रखा गया तो 16 × 64 हो जाता है. इसमें से 8 फैमिली जो होते हैं आउट ऑफ 16, जो 8 फैमिलीज हैं, 8 families are unmixed. And another 8
एट, या जिसको हम रेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ आर मिक्स्ड। आप जेनेटिक कोड का जो डिक्शनरी देखिएगा उसमें पाएगा कि 16 का फैमिली होते हैं, 16 फैमिली में 8 मिक्स्ड है और 8 अनमिक्स्ड है। ठीक है, प्रत्येक फैमिली में आपको मिक्सिंग मिलेगा, लेकिन बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं उसमें एक ही अमीनो एसिड्स सब कोडन्स के लिए होता है, और किसी किसी में 2 अमीनो एसिड्स का मिक्सिंग होता है, किसी में 2 का, किसी में 4 का, इस तरह से मिक्सिंग होती है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम देखेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। एक सिंपल आप छोटा सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देखा गया कि नंबर 1, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, अगर एग्जाम में रहे तो आसानी से लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि जेनेटिक कोड को हम इट इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो जेनेटिक कोड फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन एक ही रहता है, यूनिवर्सल है, दैट इज सेम फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, एकदम समान रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। नंबर 2 में हम कहेंगे कि इट इज ट्रिपलेट, यानी कोडन जो होता है ट्रिपलेट 3 बेस का होता है, ट्रिपलेट एकदम याद रखना है। नंबर 3 का आ जाता है कि इसका जो इनिशिएशन कोडन्स होते हैं, द इनिशिएशन कोडन इज AUG, इनिशिएशन कोडन AUG होता है। ऐसे एक और होता है इनिशिएशन कोडन UGG एंड UGG, इनिशिएशन कोडन से, इनिशिएशन कोडन UGG, ये ट्रिप्टोफेन का है, ये जो कोडन होता है ट्रिप्टोफेन का है। आइए मिथियोनॉल, मिथियोनिन, दोनों का अलग अलग होता है, हालांकि जनरली AUG रहता है। जितना भी तरह का कोडन मिलता है mRNA बनता है सब की शुरुआत में पाया जाता है, इट इसको इनिशिएशन कोडन कहते हैं। नंबर 4, सब में टर्मिनेशन कोडन भी होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करता है, टर्मिनेशन कोडन, टर्मिनेशन कोडन कौन है, UAA, UAA, AAG और UGA, UAA, UAG, UAG एंड UGA, ये 3 को UAA, UAG एंड UGA, ये 3 जो होते हैं टर्मिनेशन कोडन्स होते हैं जो नॉनसेंस कोडन है। ये तीनों के तीनों कोडन्स होते हैं नॉनसेंस है, ऑल आर नॉनसेंस कोडन। इसका मतलब है इसका जो ट्रांसलेशन है नहीं होता है, इसका कोई भी अमीनो एसिड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर टर्मिनेट कर जाता है। नंबर 5 में देखते हैं, तो नंबर 5 में है कोड्स आर डिजेनरेट,
जो होती है डिजनरेट होती है। एक अमीनो एसिड्स के लिए ढेर सारे कोडन्स होते हैं, मोर देन वन कोडन फॉर वन अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडन्स होता है। ये सब स्पेशलिटीज है, ये सब जितने भी देख रहे हैं जेनेटिक कोड्स का लक्षण होता है, स्पेशलिटीज होती है। उसके बाद सिक्स में आते हैं, कोडन कॉमा लेस होता है, इट इज कंटिन्यूस होता है, कोडन्स आर कॉमा लेस। कोडन्स आर कॉमनलेस, ये तो होता है, इट इज कंटिन्यूअस। कॉमनलेस का मतलब है कॉमन नहीं होता है, एक कोडन पड़ा फिर दूसरा कोडन, इट इज अ कंटिन्यूअस। एकदम कंटिन्यूअस होता है, रीडिंग कंटिन्यूअस होता है। सेवन में आप जाइएगा, देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोडन में कोई भी ओवरलैप नहीं होती। एक तीन कोडन पढ़ा जाता है, उसके बाद तीन और पढ़ा जाता है, उसके बाद तीन और पढ़ा जाता है। ऐसे किसी भी स्थिति में नहीं होता है कि एक मान लो ये कोडन है तो दूसरा का ये ओवरलैपिंग है, तीसरा ये ओवरलैपिंग है, इस तरह से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है। देयर इज नो साइन ऑफ द ओवरलैपिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, एट जो पॉइंट होता है, एट में चलिएगा। एयूजी जो होता है, एयूजी हैज ड्यूल फंक्शन। एयूजी जो शुरू का फंक्शन, शुरू का कोडन होता है, उसके दो काम होते हैं। एक काम होता है इट कोड फॉर मिथियोनॉन, इट कोड फॉर मिथियोनाइन, इसको मेट कहते हैं। पहला फंक एक अमीनो एसिड्स को कोड करता है, दूसरा फंक्शन होता है कि इट एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडन, इट एक्ट्स इनिशिएशन कोडन, यानी इससे शुरुआत होता है, यानी किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत या ट्रांसलेशन की शुरुआत इसी से होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। नाइन में होता है कि एम्बिग्विटी भी को करता है, जिसे हम डिजेनरेट कोडन कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजेनरेट, कोडन्स आर डिजेनरेट। डिजेनरेट कोडन भी होता है, हो गया है, एक्सेप्शन है। इट शोज एक एम्बिग्विटी भी शो करता है, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है इरेगुलर पेयरिंग। इरेगुलर पेयरिंग इसे बुबल हाइपोथेसिस के भी रूप में जाना जाता है। इरेगुलर पेयरिंग होती है, जैसे हम कहते हैं सी ए आई, आई का मतलब होता है आइनोसिन, आई मीन्स आइनोसिन, आइनोसिन एक ऐसा है चेंज्ड बेस होता है जो तीनों को कोड कर, चारों को कोड करता है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। यानी अगर हम यू दें, सी दें, ए दें, जी दें, तो ये सब को पढ़ेगा। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हमको क्या बनेगा, चार कोडन तैयार होगा। सी के जगह पर हम जी देंगे, ए के जगह पर टी देंगे या यू देंगे, चूंकि आरएनए बन रहा है और यू आ जाएगा,
यू के जगह पर यू, तो जी यू यू बनेगा, इसका बनेगा जी यू सी, जी यू सी, जी यू ए एंड जी यू जी, ये चार बनेगा। ये चारों जो कोडन है सिर्फ एक मैंने सिर्फ वैली को करता है, यानी कि फोर फोर कोडन्स फॉर वन अमीनो एसिड्स कॉल्ड वैलिन, वैलिन के लिए होता है। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि सी ए आई, सिर्फ आई चेंज हो जाने से क्या होता है कि चारों को ये रीड कर लेता है और चार तरह के कोडन बनाता है, लेकिन ये चारों कोडन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड्स को, मैंने एक टीआरएनए जो सबको ढोके ले जाता है, इसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी भी होता है, जिसको हम डिजेनरेट कोडन भी कहते हैं। इसी के नीचे थोड़ा सा और हमको है कि देयर इज एम्बिग्विटी एंड इरेगुलरिटी, एम्बिग्विटी एंड इरेगुलरिटी is ambiguity and irregularity in the pairing of third letter of codon, codon का third letter होता है and फर्स्ट लेटर, कोडन का थर्ड लेटर और एंटी कोडन का फर्स्ट लेटर, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ एंटी कोडन, एंटी कोडन का पहला लेटर होता है इबोबल में चला आता है, सो दैट